ये जो जैकेट पहन के बंदा था उसको इग्नोर करिए, थोड़ा सा पगला गया है वो मायापुर आके, मायापुर आके एकदम ठीक है। बाकी का चलिए मंदिर में जाके आप लोगों को हम दर्शन करवाते हैं, ठीक है। तो फिर से आ चुके हैं हम लोग, एम्बैग फिर से तैयार है। अब की बार ट्रिप हो रहा है मायापुर नवद्वीप का, तो हम लोग अभी धार्मिक ट्रिप कर रहे हैं इस बार। तो मेरे साथ है वही मेरा पुराना दोस्त स्वर्णेंदु, और ये बंदा नया ऐड हुआ है, अपना दोस्त है देवनाथ। तीनों मिलके हम जा रहे हैं, अभी आसनसोल जंक्शन में है, यहाँ से हम लोग चलेंगे, सफर शुरू होता है। चलिए लेट्स डू दैट, एंजॉय करेंगे। हाँ तो दोस्तों, अभी हम लोग का जर्नी का आधा सफर ख़त्म हो चुका है और हम लोग अभी बैंडनेल जंक्शन में हैं, और इसके बाद हम लोग कटुआ का ट्रेन पकड़ेंगे और उधर से होते हुए हम लोग नवद्वीप धाम के लिए निकलेंगे। कुछ देर बाद हम लोग का ट्रेन है इधर से। हम लोग पहुंच गए नवद्वीप धाम, नवद्वीप भगवान श्री कृष्ण का नगर। अब यहीं से ज़्यादा दूर हम लोगों का फेरी घाट नहीं है, फेरी घाट यहीं से जाना है हम लोगों का, या बस या टोटो से मिल जाएगा फेरी घाट जाने के लिए। अभी बस से भी जाइएगा तो फेरी घाट 10 रुपया लगेगा, और टोटो से जाइएगा तो पर हेड पर लड़का का 15 रुपया करके पड़ेगा। तो बस यहीं से हम लोग जर्नी स्टार्ट करते हैं, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा डिटेल्स में। चलिए मिलते हैं। अभी हम लोग फेरी घाट के सामने हैं, फेरी घाट के सामने एक होटल है, होटल गिरिधारी। यहाँ पे अभी हम लोग खाना खाएंगे, लंच करेंगे, लंच करने के बाद हम लोग निकलेंगे फेरी घाट में मायापुर के लिए। बहुत ही चीप और सस्ता रेट में खाना यहाँ पे अवेलेबल है, 40 रुपीज़ में थाली है यहाँ पे, वेज थाली, तो हम लोग वेज खाएंगे। आ चुके हैं हम लोग मायापुर फेरी घाट, यहाँ से अब हम लोग फेरी पकड़ेंगे और जाएंगे, और उस पर जाएंगे मायापुर तरफ रवाना हो रहे हैं हम लोग। फेरी में जा रहे हैं, फेरी में ज़्यादा प्राइस नहीं है, 10 रुपये करके टिकट है, तो चलिए चलते हैं। वो देखो दोस्तों, दूर से दिख रहा है मायापुर इस्कॉन का टेंपल। लॉन्च में है, लॉन्च में चढ़ चुके हैं और सफर की ओर चलते हुए मैं हम तीनों। अरे तुम लोग बोलो यार। एकदम भाई, अभी तो चला है मेरा, हम लोगों का जो मंजिल है, अभी मंजिल करीबी है, यहाँ से दिख रहा है, ज़्यादा दूर नहीं है, 10 से 15 मिनट। अच्छा लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं सब। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम लोग मायापुर, हो रहा इस्कॉन का मंदिर हम लोग दूर से देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये देखिए। और आप ये जो लाल ये जो जैकेट पहन के बंदा था उसको इग्नोर करिए, थोड़ा सा पगला गया है वो, मायापुर आके एकदम ठीक है। बाकी का चलिए मंदिर में जाके आप लोगों को हम दर्शन करवाते हैं, ठीक है। चलिए आइए इस्कॉन के बारे में जानते हैं। इस्कॉन का पूरा नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है, जिसे बोलचाल की भाषा में हरे कृष्ण आंदोलन या हरे कृष्ण के रूप में जाना जाता है। इस्कॉन एक गौड़ीय वैष्णव हिंदू धार्मिक संगठन है। इस्कॉन की स्थापना 1966 में न्यूयॉर्क शहर में एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा की गई थी। वैदिक तारामंडल का मंदिर पश्चिम बंगाल में मायापुर हिंदू धर्म के गौड़ीय वैष्णव वंश के संस्थापक श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान पर बनाया गया है। अब बात करते हैं यात्रियों के रहने और खाने की व्यवस्था के बारे में।
मायापुर इस्कॉन के मंदिर परिसर में रहना सबसे ज्यादा किफायती और आनंदमय होगा। तो पहले रहने की व्यवस्था के बारे में बताते हैं। यहाँ भवनों में यात्रियों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था है, जैसे गीता भवन, गोदा भवन इत्यादि। इन भवनों में 400 से लेकर 1200 तक की कीमत के कमरे उपलब्ध है। प्रत्येक कमरों में 8 लोग रह सकते हैं। यहाँ आपको पहले से बुकिंग करवा के आना होगा। वेबसाइट और फोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोपहर के भोजन और रात के भोजन के लिए आपको इन्हीं भवनों में कूपन खरीदना पड़ता है, जिसकी कीमत केवल 40 से 80 रुपए तक की है। इस्कॉन के भक्त ब्रह्मा माधव गौड़ीय भागवत वैष्णवों की एक शिष्य रेखा का पालन करते हैं और गौड़ीय वैष्णववाद की सबसे बड़ी शाखा है। वैष्णववाद का अर्थ है विष्णु की पूजा, और गौड़ उस क्षेत्र को संदर्भित करता है जहां वैष्णववाद की यह विशेष शाखा पश्चिम बंगाल के गौड़ा क्षेत्र में उत्पन्न हुई थी। तो मायापुर का ट्रिप यहीं पे एंड होता है। हम लोग मायापुर से अभी रवाना हो रहे हैं आसनसोल की ओर। अभी जा रहे हैं, यहाँ से वही जैसे आए थे वैसे ही जाने का भी प्रोसीजर वैसे ही रहेगा हम लोग का। यहाँ से फेरी करेंगे, फेरी के बाद नवद्वीप के लिए जाने के लिए टोटो, फिर नवद्वीप स्टेशन से आसनसोल स्टेशन वैसे ही ट्रेन में जाया जाएगा। घाट पहुंच गए हम लोग घाट तरफ, और ये बोट की इंजन बंद हो गई है, बस कुछ क्षण का मामला है। देवनाथ के साथ थोड़ा करीबी मामला हो गया है, देख सकते हैं यह है देवोनाथ हो पट्टी बांधे हुए हैं सब लोग, ठंड बहुत ज्यादा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, जय श्री कृष्णा।